चलो बस बताओ कुछ भी बोलो, अभी खाने का टाइम है, खाने के बाद बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय जगन्नाथ सबको। अभी चार दिन के बाद मैं आज दुकान पे आया हुआ हूँ क्योंकि तबीयत खराब था, लेकिन अभी चला जाऊँगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ दुकान पे कम आने के लिए। दो बेनिफिट है उसमें, एक तो मेरे को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, दूसरा चीज़ इन लोगों को से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखना भी, क्योंकि अगर इनमें से किसी को वायरल फीवर हो जाता है तो फिर काम बंद हो जाएगा। तो उसके वजह से अभी मैं तो बीमार हूँ, लेकिन ये लोगों को बीमार कराना इतना सही नहीं है, तो इसलिए मैं भी चले जाऊँगा। लेकिन इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, सुबह से हम लोग बैठे हैं और आज सेल भी काफ़ी डाउन चल रहा है, और कल हमारा नहीं पूरी भारत पे गणपति पूजा है, तो हर जगह पे कल पूजा की माहौल रहेगा, तो सब लोग एंजॉय करेंगे। ज़्यादातर मुंबई पे जो भी सब्सक्राइबर है हमारा महाराष्ट्र में, उनका तो कल बहुत बढ़िया रहेगा। तो यही डिटेल, अभी थोड़ा सा बारिश कम होने के बाद मैं चले जाऊँगा। और दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक चीज़ कि हमारा एक ऐसा क्लाइमेट बन गया है कि अगर कोई भी बारिश हो या फिर कुछ भी हो, हमारा काम जो सेल जो है चलता रहता है, क्योंकि कोई कस्टमर है जिनका काम चल रहा है, कोई कस्टमर है जिनको एस्टीमेट चाहिए, कोई कस्टमर है जिनको डिलीवर चाहिए, कोई कस्टमर है जिनको कुछ न्यू काम सेटअप करना है, तो ये सब चीज़ों में हमारा टाइम एंगेज हो जाता है, या फिर कोई बिलिंग्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये सब चीज़ों में हो जाता है। और मैं जो भी मेरा शेड्यूल में काम रहता है, मैं 5 दिन से नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये फेवर की वजह से, और कोशिश है कि आज तक डे एंड तक मेरा फेवर ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा तो फिर कल से काम शुरू करेंगे। और हमारा मैनेजर जी जो है कुछ बताएंगे, आप लोगों को बोल रहे थे, तो एक बार उनको कैमरा घुमा देता हूँ, बताएंगे। मैं कुछ बोल रहा था, बोल भूख लग रहा है, बिरयानी खा के बताता हूँ मैं। क्या करना है बिरयानी खाने के बाद बताता हूँ। बिरयानी खाओगे आज? आज बिरयानी किधर बनेगा या फिर? नहीं बनेगा नहीं, अभी दुकान में जाऊँगा खा के आऊँगा। आज बड़ा बिरयानी का मूड बना है। किधर जाओ, कौन सा रेस्टोरेंट में? वो बिरयानी बॉक्स, इधर एक बार ट्राई करो, नया वाला में हमारा इधर खुला है ना, नियर द रेगल। वो मटन अच्छा लगा उधर, मटन बिरयानी, मटन बिरयानी नहीं, मटन करी। मटन करी तो मैनेजर जी आज हमारा मटन खाएंगे, हमारा नसीब में मटन खाना। हम लोग तो दाल चावल वाला आदमी है, तो हम लोग मटन तो अभी तक देखा नहीं, खाली बाहर से ही देखते हैं। और मटन खाने के बाद बोलना कैसा टेस्ट है? शाम को एक बार अच्छा लग रहा है, वो हर लोग बोल रहे हैं कि वो अच्छा बनाता है। नहीं तुम कभी खाया है? आज पहली नहीं, बार नहीं, आज पहली बार लाऊंगा ना। कौन बोला? रुद्र? नहीं वो रॉनी। रॉनी नया खुला है, जाकर देखता हूं। हां जाओ एक बार ट्राई करो, ट्राई करके। अभी हमारे पास एक कस्टमर पहुंचे थे जिनको रॉयल साइन में पेंट चाहिए, और बाकी हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है, हमसे पहले पेंट ले चुके हैं, तो इनको सब लाइट शेड में चाहिए था, तो विशाल अभी उनका पेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे के कहीं पे चले गए हैं। विशाल कौन कौन सा शेड बना रहे हो एक बार बताओ? 7904 रॉयल साइन में, हाँ, और फिर बनेगा 8089 रॉयल साइन में, हाँ, 7712 रॉयल साइन में 4 लीटर, हाँ, और वाइट 1 लीटर रॉयल साइन में। अभी पूरा इनका कितने लीटर है? शायद 10-15 लीटर है, जो कि 12 लीटर है रॉयल साइन में जाएगा। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा दुकान पे अभी करंट नहीं है, तो हम लोग जो कायरो शेकर में मिक्स करने वाले थे वो अभी नहीं हो पाएगा, नहीं तो आपको सेड डायरेक्ट दिखा देता कि कौन सा सेड निकालता। एक बार हम लोग वेट कर रहे हैं,
करंट आ जाएगा तो उसको सिकर पे डाल के एक बार मिक्स कर देंगे तो उसका फाइनल ये आ जाएगा आपकी कलर। तो ये जो कस्टमर है ये आए हुए हैं हमारा ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर से, और ये हमसे, मैं बता रहा था, पहले से पेंट ले चुके हैं। अभी मेरे को फ़ोन किए थे, एक बार आके एस्टिमेट भी लेके गए थे, इनका पेंट शॉर्ट हो गया है तो ये फिर से लेके जाएंगे। तो एक बार इनका सेट एक बार रेडी हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन कौन सा सेट ले रहे हैं और इनका सेट कैसे दिखता है और कैसे ये लेके जा रहे हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। और अभी हमारा मैनेजर साहब जा रहे हैं छुट्टी पे, कितने दिन के लिए? एक महीना छुट्टी में जाते। अच्छा, छुट्टी में चले जाए, तुम्हारा बच्चा लोग इधर दरिद्र हो जाएंगे। हमारे पास अभी सेड रेडी होके तैयार है और ये इतना डिसेंट लग रहा है, ये सेड काफ़ी बढ़िया लग रहा है। 7904 की सेड है ये, और आप लोग देख सकते हैं कैसे दिख रहा है। और ये अगर वॉल पे लगेगा, और इसमें कंडीशन है कि वॉल पुट्टी होना चाहिए, अगर पुट्टी में ये लगेगा तो इसका जो लुक्स है, इसका जो डिसेंट कलर है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये जो पेंट है, आप लोगों को पता है ये एशियन पेंट की किंग मॉडल है, रॉयल साइन, जो कि उतना ही साइन करता है जितना इसका नाम है। तो जिसको पता होगा, जिसने रॉयल साइन यूज किया होगा, काफ़ी बढ़िया सेट है ये और बढ़िया मॉडल भी है रॉयल साइन। आज सुबह 12 बजे से हमारा यहाँ पे करंट नहीं है, तो हमने जो रॉयल साइन की पेंट अभी बना रहे थे उनको हमने मिक्स करके नहीं दिवाया, तो अभी हम लोग अंदर बैठना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा बैकअप पे अभी इतना इन्वर्टर पे इतना बैकअप नहीं रख रहा है, तो शट डाउन हो जाएगा। तो मैं एक बार चेयर लेके बाहर बैठूंगा, ठंडी हवा खाएंगे। तो बाहर की वजह से पूरा बॉडी से पसीना भी आ रहा है। आज हमारा दुकान पे कोई भी नहीं था, जैसे कूनू ने ऑर्डर लेने के लिए गया है और अजय छुट्टी पे चला गया था, तो हमने आज, विशाल और मैं दो है यहाँ पे, तो हमने उस वक्त चाट मंगाए खाने के लिए। तो हमारा घर के पास एक इतना बढ़िया चाट बना रहा था, मैं आपको कई वीडियो पे भी बता चुका हूँ। तो इनका चाट आप लोग देख सकते हैं कैसे बढ़िया दिख रहे हैं और टेस्ट भी उतना बढ़िया है। चाट मसाला एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा देंगे। कभी मैं चाट मंगाता हूँ तो उसको बोलता हूँ थोड़ा सा चाट मसाला सेपरेट देने के लिए, ताकि हम लोग ऊपर डाल सकें। लेकिन एक्चुअल में इनका चाट में टेस्ट है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने के लिए। और मेरा तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब है, तो इतना बुरा भी नहीं है हेल्थ के लिए, कोई ऑयली फूड नहीं है इसमें, तो और टेस्ट भी थोड़ा सा बदल चुका है मेरा, तो ये अगर खाएंगे थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तो इसके वजह से मैं इसको मंगाया था विशाल के हाथ में। और बारिश हो रहा था बाहर, तो विशाल ने जाके लेके आ गया इसको। अभी देखो ये जो देता है स्पून, ये पत्ते का है, तो ये काफ़ी पुराना पत्ते वाला सिस्टम है, और इसमें खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और ये पुराना स्पून है, इससे आगे बहुत चलता था, अभी तो प्लास्टिक आ चुका है, लेकिन बहुत पहले यही स्पून चलता था। डालो, उसको भी डालो। बस बस बस,
क्या अलग है? टेस्ट करो ये वाला, खा के बताओ कैसा लग रहा है। बढ़िया है ना, फिर हम लोग मैक्सिमम टाइम यही बना रहे। खाओ खाओ और एक बार खाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई किया हम लोग तो काफ़ी बार खा चुके हैं, तो अगर कहीं हमारा सब्सक्राइबर दुकान पे आएंगे तो उनको एक बार यहाँ का चाट मंगा के खिलाएंगे। अच्छा है, थोड़ा तबीयत ख़राब था तो ये टेस्ट होने से थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रीडम जैसा लग रहा है, क्योंकि बुखार होने से फ्रीडम नहीं मिलता है। अंदर से जैसा जेल में हो वैसा लगता है, जितना दिन बुखार रहेगा लगता है उतना दिन हम लोग जेल में हैं, तो आज फ्रीडम मिला है। तो आज का काम हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, और कुनू भी मार्केट गया हुआ है, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में। आज हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मैनेजर जी हमारे साथ, उनका घर का काम चल रहा है, एक दो दिन छुट्टी पे रहेंगे, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं रहता तो मेरे को रहना पड़ता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारा वीडियो को प्यार देते रहिए। अगर हमारे चैनल पे कोई भी नया देख रहे हैं तो उनको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। टेक केयर।